नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं दिव्य दूरदर्शन। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके की शहीद नगर कॉलोनी में शुक्रवार की सुबह अचानक उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब स्थानीय लोगों द्वारा वहां पर रहने वाले पिता और पुत्री की गला रेत कर हत्या होने की खबर मिली। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली तो लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और इसकी सूचना आनंद फानंद में स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। दिखाते हैं पूरी खबर। थाना साहिबाबाद इलाके की शहीद नगर कॉलोनी में रहने वाले शख्स ने बताया कि 38 वर्षीय अब्दुल्ला मूल रूप से जनपद बुलंदशहर के गांव जलालपुर का रहने वाला था। वो पिछले करीब 7 साल से यहीं पर किराए के मकान में अपनी पत्नी, 3 बेटी और 1 बेटे के साथ रह रहा था। फिलहाल घर पर वो खुद और उनकी करीब 8 साल की बेटी मौजूद थे, जिनकी हत्या बदमाशों द्वारा की गई और उनकी लाश उन्हीं के घर में बरामद हुई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। शुरुआती जाँच में अभी ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर पिता और पुत्री की हत्या किसने और किस लिए की। फिलहाल दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आज प्रातः शहीद नगर थाना साहिबाबाद क्षेत्र के जी ब्लॉक एरिया में एक पिता और उसकी पुत्री, पिता का नाम अब्दुल्ला है, एक कमरे पर शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसपे तत्काल मौके पर मेरे द्वारा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा पहुंच करके वहां पर जानकारी की गई है। जो घटना है इसका अभी स्पष्ट नहीं है कि किन कारणों से ये घटना हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जो भी प्रगति होती है तदनुसार अवगत कराया जाए। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल दिव्य दूरदर्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज़ टाइम पर मिले। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।